मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, मेरी गुड मॉर्निंग हुई है सुबह 10 बजे। तो आई एम फीलिंग सो हंग्री, सोचा कोई जूस वगैरह बना देती हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो है ग्रीन जूसेस पीती हूँ, लाइक पालक जूस, मिंट जूस के। तो उसकी जूसेस पी के ना आपका जो है आप फ्रेश रहेंगे, आपका स्किन भी ग्लो करेगा और आपका जो हेयर है ये भी आपका मजबूत होगा, क्योंकि उससे हेयर की ग्रोथ अच्छी होती है। तो मुझसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि आपकी जो बाल है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, इसकी क्या सीक्रेट है, तो आप हमारे से शेयर करें। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू कि मैं ग्रीन जूसेस किस तरह बनाती हूँ, और फिर उसके बाद फिर आप लोग भी कोशिश करें कि ग्रीन जूसेस बनाएं, ख़ुद भी पिए, अपने बच्चों को भी पिलाएं। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है, यूज़फुल है। तो आइए चलते हैं किचन की तरफ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं ग्रीन जूसेस किस तरह बनाती हूँ और उसके बाद फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो आज मैं पालक जूस बनाने लगी हूँ। पालक जूस में जो है ये ज़्यादातर जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इसको हमने इस में अच्छी तरह से धो के उसके बाद हम ग्राइंडर में डालेंगे। तो आप कोशिश करें कि जो पालक जूस है ये डेली यूज़ करें, ये आपकी जो बाल है उसकी ग्रोथ के लिए अच्छी है एंड योर स्किन के लिए। तो मैं अब एक बंदे की जूस बनाने लगी हूँ, तो मुझे ज़्यादा पत्ते नहीं चाहिए। जिस तरह अगर ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए ज़्यादा पत्ते डालें, अगर कम है तो उसके लिए कम। अब मैं एक ही अपने लिए बनाने लगी हूँ, तो हम बस इतना सा पालक लेंगे, इसको हम अच्छी तरह से साफ करेंगे। इसको 4-5 दफ़ा धोना है, क्योंकि मैं सब्ज़ियों को अच्छी तरह से धोती हूँ, मेरी आदत है। और सब्ज़ियाँ हमें नहीं पता वो मार्केट में किस तरह आते हैं, लेकिन वी हैव टू वॉश इट वेरी क्लियरली। ये हमारे पास पालक तैयार है, दिस वन इज़ खीरा, अदरक एंड 3 लेमन। और अब इसको मैं जो है छोटे छोटे करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, अभी हमने खीरे और अदरक को पीसेस करके एक जगह पे मैंने डाल दिए। इसके बाद जो है हमने इसको पहले डालना है ग्राइंडर में, पहले पालक को नहीं डालेंगे, पहले हम अदरक एंड खीरा, वो अदरक एंड खीरा इन दोनों को हम डालेंगे इसमें। ठीक हो गया, अभी हम इसके ऊपर जो है ये पालक डालेंगे, राइट। और इसके ऊपर जो है ये लीमू पानी, लीमू पानी से जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको हमने निकालना है और इसके ऊपर मिक्स करेंगे। आफ्टर दैट हस्ब जायका आप इसमें चीनी मिक्स ऐड कर सकते हैं। चीनी अगर ज़्यादा खाते तो आप अपनी मर्ज़ी से डालिए, जितना आप खा सकें। वैसे लीमू में जो पालक जूस में जो है हम चीनी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि उसकी स्मेल अजीब सी होती है, तो उसको फिर बंदा पी नहीं सकता, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा मिक्स करूँगी इसमें बस। उसके बाद हम एक गिलास पानी मिक्स करेंगे, ओनली वन कप गिलास, क्योंकि ऑलरेडी जो पालक है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो हम उसमें वन ग्लास भी ज़्यादा है थोड़ा सा कम कर देते हैं। अभी हम इसको 1 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। अच्छा जी, आप इसमें जो है क्यूब्स भी डाल सकते हैं, बर्फ़ के क्यूब्स। तो मैं इसको इसका जायका मज़ीद बढ़ाने के लिए क्यूब्स डालूंगी। अच्छा जी, हमारा जो जूस है इट्स ऑलमोस्ट रेडी, तो मैं इसको अब इसमें डाल देती हूँ। हाँ, इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और इसमें डालने अच्छा जी, इसमें आप बर्फ़ भी डाल सकते हो, इसमें आप 7 अप भी डाल सकते हैं, फॉर जस्ट फॉर जायका बढ़ाने के लिए, बस लिटिल बिट, नॉट दैट मच।
Yes, almost. My balik juice is almost ready and I'm going to drink it. Wow, I just love it. It's very tasty. मैं कोशिश करती हूँ एवरी डे पीऊँ, बट समटाइम्स ये होता है कि कभी टाइम नहीं होता या कुछ भी इश्यूज आ जाते हैं, तो मैं वीक में जो है 4 टाइम्स लाजमी पीती हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करें, मिंट जूस, पालक जूस एवरी डे नहीं तो वीक में 3 4 दिन लाजमी यूज़ करें। इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन ग्लो, फॉर योर हेयर, और आपका जो स्टमक है उसके जो जितने भी इश्यूज होते हैं उसके लिए भी बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।